इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको शेडो गन्स लेजेंड गेम के अंदर जो मल्टीप्लेयर गेम है और उसके अंदर अगर आपको इस तरीके से इशू आता है कनेक्शन टू सर्वर फेल, प्लीज़ वेरीफाई योर नेटवर्क कनेक्शन, तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है तो गेम भी नहीं चल पाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो इंटरनेट से चलता है। लेकिन अगर उसी गेम के अंदर आपको बस प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सब चल रहे हैं, एप्लीकेशन भी सही चल रही है, इंटरनेट भी सही चल रहा है, तो अब इस वीडियो को आप छोड़िएगा मत, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है और यहाँ पर जो है गेम को आपको सर्च कर देना है। लेजेंड ही सर्च करिएगा तो ये गेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड यूसेज, तीनों पर टिक लगा जो है टिक लगा होना चाहिए, तो ये आपको करना है। फिर बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए और एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, डेट एंड टाइम पर जाना है, यूज नेटवर्क प्रोवाइडर पर टिक करके लगा देना है, टाइम जोन अगर आपको दिखाई दे तो उस पर भी टिक करके लगा दीजिएगा। डेट आपको खुद से सेट करनी हो तो एक दिन का गैप लीजिएगा, एक दिन से ज़्यादा का गैप मत लीजिएगा, एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे, टाइम में आप कितना भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको करना है, या तो दोनों ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए या खुद से बिल्कुल करेंटली टाइम लगा लीजिए, ठीक है। फिर बैक ला देना है, बैक ला देना है, बैक ला देना है और एक दफ़ा अपडेट और चेक कर लेना है। तो आपको इस चीज़ को भी तो शैडो गन लेजेंड तो यही कहीं पर होगा ये ना, अगर इसके अंदर आपको अपडेट दिखाई दे तो सिंपली आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद अगर अपडेट नहीं दिखाई देता है तो फ़ोन को बंद करके खोल लीजिएगा और फिर आपको ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो बस इसमें थोड़ा सा यही दिक्कत आ जाती है और कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।